हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएलसी के प्रेडिक्शंस के बारे में। दोस्तों, 2018 का फाइनल पेपर व्यू टीएलसी पेपर व्यू होने वाला है कमिंग मंडे को, और काफी ब्रूटल एक्शन हमें देखने मिलने वाला है इस बड़े पेपर व्यू में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीएलसी पेपर व्यू के प्रेडिक्शंस के बारे में। टीएलसी पेपर व्यू की डेट है 17 दिसंबर 2018। इसका लोकेशन है सैप सेंटर एट सैन होसे, कैलिफोर्निया। और इस पेपर व्यू का थीम सॉन्ग है बॉडी टॉक्स बाय द स्ट्रट्स। फर्स्ट मैच इज बड़ी मर्फी वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर फॉर क्रूजरवेट चैंपियनशिप। हमें एक बार फिर सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस बड़ी मर्फी की मैच देखने मिलने वाली है फॉर क्रूजरवेट चैंपियनशिप, और ये मैच इनके पास मैचेस से अच्छे हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर क्रूजरवेट चैंपियन बड़ी मर्फी। सेकेंड मैच, नटालिया वर्सेस रूबी रायट, अ टेबल्स मैच। रूबी रायट एक कांटे की तरह चुभ रही है नटालिया को, तो इसलिए उनके हमें एक ब्रूटल टेबल्स मैच देखने मिलने वाली है टीएलसी। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर नटालिया। नेक्स्ट मैच, फिन बैलर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। इन दोनों के बीच काफी बैड ब्लड है रॉ पर, और इसलिए वो दोनों स्क्वायर अप कर रहे हैं एट टीएलसी पेपर व्यू। फिन बैलर बीमार होने की वजह से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो आते हैं एट टीएलसी पेपर व्यू या फिर नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर ड्रू मैकइंटायर। नेक्स्ट मैच, द बार वर्सेज द उसोस वर्सेज द न्यू डे फॉर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। स्मैकडाउन का टैग टीम डिवीजन रॉ से बेहतर है, पर यही सेम टीम देखकर बार बार हमें बोर होने लगा है। तो फिर दोस्तों, हमें न्यू टीम्स देखने मिल सकती है इन 2019, पर टीएलसी में मुझे नहीं लगता कि टैग टीम चैंपियनशिप्स चेंज होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द बार। नेक्स्ट मैच इज अ टीएलसी मैच, बेकी लिंच वर्सेस आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। दोस्तों, बेकी लिंच के इंजर्ड होने के बाद ये उनका फर्स्ट अपीयरेंस होने वाला है ऑन टीएलसी पेपर व्यू। काफी जबरदस्त मैच होने वाला है ये, क्योंकि ये होगा फर्स्ट एवर टीएलसी मैच ऑफ द वुमेन्स। ये फर्स्ट एवर होने की वजह से हमें इसमें कुछ टाइटल चेंज जरूर देखने मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर। नेक्स्ट मैच इज अ लैडर मैच, इलायस वर्सेस बॉबी लैशली। हमें इस फ्यूड में काफी इंटरेस्टिंग स्टफ देखने मिला है बिटवीन इलायस, बॉबी लैशली एंड इवन लियो रश। इस फ्यूड में गिटार अटैक्स का काफी यूज हुआ है, तो फिर इसलिए ये मैच कर दिया गया है एक लैडर मैच, जहां पर गिटार टंगा होगा ऊपर, और जो उसे पहले निकालने में सक्सेसफुल होगा वो यूज कर पाएगा उसको उसके ओपोनेंट्स पर। नेक्स्ट मैच इज मिक्स मैच चैलेंज फाइनल, जिंदर महाल एंड एलिशा फॉक्स वर्सेस आर ट्रूथ एंड कार्मेला। ये दो टीम्स का फाइनल में पहुंचना काफी सरप्राइजिंग था। हमें काफी एंटरटेनिंग मैचअप देखने मिलेगा इन दोनों के बीच, और इस मैच के विनर को मिलेगा नंबर 30 का एंट्री स्पॉट एट रॉयल रंबल। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर आर ट्रूथ एंड कार्मेला। नेक्स्ट मैच इज फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, रोंडा राउजी वर्सेस नाया जैक्स। एवोल्यूशन में बैटल रॉयल जीतने के बाद नाया जैक्स ने अर्न किया टाइटल शॉट फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप एट टीएलसी पेपर व्यू। हमें रोंडा वर्सेस नाया जैक्स की मैच पहले भी देखने मिली थी एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू, जहां पर रोंडा राउजी उन्हें हराने ही वाली थी, पर नाया जैक्स बच गए क्योंकि एलेक्सा ब्लिस ने तभी कैश इन किया था। पर अब शायद हमें एक क्लीन विनर देखने मिलेगा इन दोनों के बीच। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर रॉ वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी। नेक्स्ट मैच इज अ चेयर्स मैच, रैंडी ऑर्टन वर्सेस रे मिस्टीरियो। हमें इन दोनों लिविंग लेजेंड्स के बीच एक ब्रूटल चेयर्स मैच देखने मिलेगा, और दोस्तों ये मैच काफी एक्साइटिंग एंड हार्ट स्टॉपिंग होने वाला है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर रैंडी ऑर्टन। नेक्स्ट मैच इज फॉर WWE चैंपियनशिप, डैनियल ब्रायन वर्सेस एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स के WWE टाइटल लॉस के बाद टू डैनियल ब्रायन, ये एजे स्टाइल्स का होने वाला है रीमैच। डैनियल ब्रायन का हील टर्न काफी एवरेज चल रहा है, तो फिर उसे एंड करना चाहेंगे एजे स्टाइल्स, बट आई डोंट थिंक कि डैनियल ब्रायन का ये टाइटल रेन इतने जल्दी एंड होगा। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर WWE चैंपियन डैनियल ब्रायन। नेक्स्ट मैच इज फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस। दोस्तों, ये राइवलरी काफी पर्सनल चल रही है एवर सिंस डीन एम्ब्रोस बिकेम हील एंड अटैक सेथ रॉलिंस। इस राइवलरी में तो रोमन रेंस के कैंसर का भी यूज हुआ है, तो फिर दोस्तों इस मैच में हो सकता है कि दोनों को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोस को वेपन से मारेंगे, और ये मैच फिर हो जाएगा एंड इन अ डिस्क्वालिफिकेशन। से डीन एम्ब्रोस तो ये मैच जीत जाएंगे पर टाइटल नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर बाय डिस्क्वालिफिकेशन डीन एम्ब्रोस। एंड इन द मेन इवेंट, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस बैरन कॉर्बिन।
दोस्तों जैसे आपको पता है कि अगर ये मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन जीतते हैं तो फिर उन्हें मिलेगा एक मैच अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। पर अगर बैरन कॉर्बिन ये मैच जीतते हैं तो फिर वो बन जाएंगे रॉ के परमानेंट जनरल मैनेजर। पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की इंजरी की वजह से उनका 100% नहीं है TLC पेपरव्यू में आना। पर अगर वो आते हैं तो फिर हमें वो दिख सकते हैं इन द विनिंग फैशन, क्योंकि WWE को ये साल एंड करना है विद अ हैप्पी एंडिंग। तो फिर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ये मैच जीतने के बाद हमें शायद रिटर्न देखने मिलेगा उनके ओपोनेंट एट रॉयल रंबल यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर का, और फिर एक इंजर्ड ब्रॉन स्ट्रोमैन को तोड़ देंगे वो आकर रिंग में। तो फिर दोस्तों कुछ इस तरह से एंड होगा 2018। तो दोस्तों ये था रेसलिंग बादशाह का डासू प्रेडिक्शन ऑफ TLC पेपरव्यू। दोस्तों इस पेपरव्यू में काफी मजा आने वाला है, तो आप सभी स्टे ट्यून रहिए एंड एक्साइटेड रहिए फॉर TLC। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीजों के बारे में बताइए। फर्स्ट, आपको कैसा लगा हमारा प्रेडिक्शन, और सेकंड, आपकी कौन सी फेवरेट मैच है TLC पेपरव्यू, और आप उसमें से किसे विनर पिक करेंगे। तो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।